हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बिरयानी वैसे तो आपने एक बिरयानी बहुत बार बनाई भी होगी और बहुत बार खाई भी होगी लेकिन आप मैं जिस तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ईजी हो एक बिरयानी है और फटाफट बन जाती है और काफ़ी सिंपल तरीके से है तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं यहाँ मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है और उसमें हम पानी आधा पानी डालकर इसको गलने के लिए छोड़ दिए फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे तो जैसे हम यहाँ मैंने जीरा और दो छोटी इलायची और दालचीनी और काली मिर्च ऐड किया है फिर उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक टेस्ट अनुसार यहाँ डाल देंगे और हमारा चावल खिला खिला बने इसके लिए हम यहाँ नींबू का यूज़ करेंगे तो मैंने यहाँ आधा नींबू इसी में ऐड कर दिया है और इसको थोड़ा सा बॉयल होने देंगे और फिर साथ ही हम चावल धुल कर रख लेंगे साइड में तो आप जितने फैमिली मेम्बर हो सबसे आप अपना चावल ले सकते हैं तो मैंने चावल धुलकर रख दिया था तो अभी यही हम आ, सारे चावलों को इसी में डाल देंगे चावलों को हमें बस नाइन्टी परसेंट पकाना है बस टेन परसेंट तक रुकना है हमारा नाइन्टी परसेंट जब कुक हो जाए चावल तो हम उसको निकाल लेंगे तो यहाँ हमारा चावल हो चुका है तो इसको हम देखिए चेक करके थोड़ा सा इसको निकाल लेंगे इसको हम एक बड़े बर्तन में निकालेंगे ताकि हमारा चावल ठंडा हो जाए और टूटे ना तो यहीं हमने एक को बॉईल कर लिया था इसी में हम मिक्स करेंगे लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और वहीं हम एक बड़ी सी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर इसको गरम कर लेंगे यहाँ हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से गरम हो चुका है तो यहाँ पर हम लंबे कटे हुए प्याज को यहाँ मैंने वन एक मीडियम प्याज लिया था और इसको लंबा काट के ले लिया है और इसी को हम इसमें अच्छे से ब्राउन कलर फ्राई कर लेंगे तो इसको हम धीरे धीरे ब्राउन कलर का होने देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे तरीके से भुन गया है और इसको हम निकाल लेंगे और वहीं पे हमने जो आ, अंडे को रखा था आ, लाल मिर्च और आ, हल्दी पाउडर में तो उसको भी हम इसी में हल्का सा ब्राउन कर लेंगे थोड़ा थोड़ा अंडे को तल लेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा टेस्ट दे तो हमें धीरे धीरे इसे थोड़ा तो, आ, सेलो फ्राई कर लेना है तो यहाँ हमारा एक हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है तो इसको हम निकाल देंगे अब और इसी तेल में फिर हम आ, अपने एक बिरयानी को बनाएंगे। तो यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है और इसी में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे हम और एक बड़ी इलायची तेज पत्ता और यहाँ छोटी इलायची और कुछ कुटी हुई अदरक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे उसके बाद हम यहाँ कुछ लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और इनको चलाते हुए अच्छे तरीके से भून लेंगे इनको भी हम दो मिनट तक भूनेंगे और यहाँ पे हम कटे हुए प्याज डाल देंगे छोटे थोड़े छोटे छोटे कटे हुए प्याज इसको हम ऐड कर देंगे इसमें और इसको बढ़िया से अच्छी तरह से चला लेंगे और प्याज को हम पकने देंगे और जब हमारा प्याज हो जाए ब्राउन कलर का आ जाए तो यहाँ पे हम इसमें छोटे छोटे टमाटर कटे हुए ऐड कर देंगे तो यहाँ मैंने दो मीडियम प्याज को छोटा काट लिया था और इसको ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से तरीके से चला लेंगे अब हमारा प्याज और टमाटर यहीं पक रहा है और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इससे हमारा प्याज और टमाटर जल्दी पकेगा तो यहाँ अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर लेना है और फ्रेंड्स ये देखिए हमारा टमाटर प्याज बस पक गया है इसको हम कूटते हुए थोड़ा पका लेंगे अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं तो यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है और वहीं एक आधे छोटी चम्मच हम यहाँ हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पे धनिया पाउडर यूज़ करेंगे और यहीं पे हम अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इन सभी मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट तक इनको भी हम भून लेंगे ताकि हमारे मसाले कच्चे ना रहे और अच्छी तरीके से भून जाए अब हम यहाँ पे मलाई ऐड करेंगे मलाई से हमारा बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाएगा तो यहाँ पे मलाई ऐड करना मत भूलिएगा ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा और फिर जो हमने अंडे को ब्राउन किया था उसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे एक और मसाले बिल्कुल एक दूसरे में अच्छी तरह से ऐड हो जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमारा एक बन ही चुका है और दो मिनट तक इसको और छोड़ देंगे कि सारे मसाले और एग आपस में मिल जाए और यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे और यहीं पे मैंने कटे हुए अनियन डाल दिए थे हरी प्याज होते हैं आजकल सीज़न है आज सीज़न में काफ़ी मिलते हैं तो मैंने यहाँ इसका यूज़ कर लिया था ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम अब हमारा एक बन चुका है तो इसमें हम लेयर कर देंगे तो हमें बस नीचे अंडों का सारा जितना भी बेस था अंडों का बेस ही रखना है और ऊपर से हम चावल जो हमने बना के रखे थे उसको हम ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों ओर फैला लेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से हम चारों ओर चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके ऊपर हम कुछ धनिया कटी हुई धनिया भी डाल देंगे और एक चम्मच यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया है एक एक लेयर पे हम इस तरह से घी धनिया पत्ती और वही प्याज हमने जो ब्राउन किया था उसको हम इस तरह से फैला लेंगे फिर उसके बाद हम थर्ड लेयर बनाएंगे चावल की तो फिर हमने चावल को अच्छे तरीके से चारों ओर फैला लिया है और ऊपर से हम घी डाल देंगे इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और सच फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से बना के खाएंगे ना तो बिरयानी आपको बहुत ही पसंद आएगा ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से और इसमें हम ऊपर से धनिया कटी हुई डाल देंगे और जो हमने ब्राउन किए हुए प्याज से उसको भी इस लेयर में इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसमें हम कुछ थोड़ा कलर ऐड कर देते हैं तो मैं मैंने रेड कलर फूड कलर यूज़ किया है तो कहीं कहीं हम यहाँ पे फूड कलर डाल देंगे बिरयानी देखने में अच्छी लगे तभी तो खाने में अच्छी लगती है और फिर हम इसको दम लगा देंगे तो यहाँ मैंने ढक कर रख दिया था और यहाँ मैंने एक बिरयानी को दस मिनट तक बिल्कुल आराम से छोड़ दिया था कि आपस में बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए और हमारा जो नाइन्टी परसेंट चावल है वो हंड्रेड परसेंट पक जाए और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से चला लिया और ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी लग रहा है आपके मुंह में पानी आया ना तो चलिए आप देरी किस बात की किचन में फटाफट आप भी शुरू हो जाइए और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी बहुत ही टेस्टी तो फ्रेंड्स लीजिए आप भी खा लीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय बाय